एक गांव में रहने वाले जौहरी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब जौहरी चल बसा। परिवार में अब जौहरी का 16-17 बरस का लड़का और पत्नी रह गए। घर की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन माँ ने बेटे को अपने पास बुलाया और संदूक से निकालकर नीलम का हार देकर कहा, बेटा अब इसे बेचने के सिवा और कोई चारा नहीं, इसे लेकर अपने चाचा जी के पास चले जा, उनसे कहना कि इसे बेचने में हमारी मदद कर दें। लड़का नीलम का हार लेकर चाचा के पास गया और उन्हें हार देकर माँ की बात दोहरा दी। लड़के का चाचा भी जौहरी था, उसने हार अपने हाथ में लिया और उसे जांचने परखने के बाद बोला, बेटा चाहूँ तो मैं ये हार अभी बेच दूँ, पर बाजार मंदा होने से सही दाम न मिल सकेंगे। मेरी मानो तो कुछ दिन रुक जाओ, अभी मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, इससे कुछ दिनों तक घर चलाओ। और हाँ, कल से मेरे काम में मेरी मदद करो और काम भी सीखो। लड़का नीलम का हार और चाचा के दिए पैसे लेकर लौट गया। अगले दिन से वो रोज चाचा की दुकान पर हीरे जवाहरात और रत्नों की परख का काम सीखने लगा। साल भर में वो रत्नों की परख में इतना पारंगत हो गया कि उस गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी उसका नाम हो गया। दूर दूर से लोग रत्नों की परख के लिए उसके पास आने लगे। एक दिन चाचा ने उससे कहा, बेटा ऐसा करो, अपनी माँ का नीलम का हार ले आओ, अब मंदी रही नहीं, हमें उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। घर जाकर लड़के ने माँ से नीलम का हार मांगा और खुद ही उसे परखने लगा। परखने पर उसे पता चला कि वो हार तो नकली है। अगले दिन वो खाली हाथ चाचा के पास पहुंचा। चाचा ने पूछा, बेटा तुम हार नहीं लाए? लड़के ने कहा, चाचा जी वो हार तो नकली था। तब चाचा ने उसे बताया, बेटा जब तुम पहली बार वो हार लेकर मेरे पास आए थे, मैंने तभी परख लिया था कि वो नकली है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं। उस वक्त तुम लोग बुरे दौर से गुजर रहे थे, सोचते कि बुरे वक्त में तुम्हारा चाचा तुमसे दगा कर रहा है, इस तरह हमारे रिश्ते बिगड़ जाते। आज तुम खुद इस काबिल हो चुके हो कि खुद ही परख कर हार की असलियत जान गए, अब किसी और पर शंका करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दोस्तों, पूर्ण ज्ञान या जानकारी के अभाव में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के बारे में हम जो भी धारणा बनाते हैं, उसमें शंका और अविश्वास का समावेश होता है, जिससे सिर्फ गलतफहमियों को बढ़ावा मिलता है। ज्ञान के प्रकाश में ही वस्तुस्थिति को स्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है। इसलिए किसी भी चीज के बारे में सही तरीके से समझने के लिए उसके बारे में सारा ज्ञान या जानकारी जरूर हासिल करें।